तो वी आर डूइंग ट्रिग्नोमेट्री, रिविजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो तुम लोगों ने सारे फॉर्मूले वगैरह याद कर लिए जो भी ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़े थे, सो दैट वी कैन प्रैक्टिस मोर वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस। If you are having any doubt in trigonometry, then also you can ask. ओके सो लेट अस स्टार्ट विथ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड मेनली वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस इयर्स ऑफ जेईई सो दैट यू कैन हैव सम आइडिया ऑफ हाउ टू अप्लाई द थ्योरी in different type of questions. Are you, Arushi, do you have any doubt from trigonometry? So no one is having any doubt. So let us start discussing questions. I hope you are also giving test series and all, so that more and more you will get to know that what is your weak areas, so that you can improve them. So last time we did questions on trigonometric functions. This time we will again do questions from trigonometric functions as well as trigonometric equations as well as trigonometric inequations also. So let us see the first question of trigonometric functions, trigonometric ratio, equations. So it has been asked that you have to find general solution of this equation. General solution को याद होगा, हमने पढ़ा था साइन कॉस टैन सबके लिए क्या होता है जनरल सॉल्यूशन। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो पढ़ा था वही हमें करना है, लेकिन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, उससे पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करनी होगी। So this says that sin x minus 3 times sin 2x Please hold on for a moment.
Okay, so on the left hand side it is sine x minus 3 sine 2x plus sine 3x, and on the right hand side we have cos x minus 3 cos 2x plus cos 3x. So you have to find the general solution of this trigonometric equation. Another question which we will discuss would be, if it is given that tan of cot x is equal to cot of tan x, then find the value of sine 2x. Sine 2x ki value kya ho? So I'm giving you 10 minutes. You can solve them and then we'll discuss. हम ले लेते हैं दूसरे
पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा मैनिपुलेशन है, फॉर्मूले वगैरह लगेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, इस तरीके से। तो ये सब फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। और सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सेकेंड वाला क्वेश्चन हो सकता है कि पार्शियली कोई सही कर ले, और पूरी तरक्की से अगर सही करोगे तो तुम्हें एक एक स्टेप पे ध्यान देना पड़ेगा, कोई केस जो है एक्सक्लूड ना हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, उसके बाद फिर तो अगर कंटिन्यू करना। यहाँ पर साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स का अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे, साइन सी प्लस साइन डी, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स साइन पी प्लस डी बाई, इट विल बिकम 2x इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, इट विल बी एक्स। और पहले से माइनस साइन माइनस 3 टाइम्स साइन 2x तो है ही, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। राइट हैंड साइड में भी तुम कॉस सी प्लस कॉस टी करोगे, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस टी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस टी बाई 2, ठीक है, हो जाएगा। और -3 cos 2x जैसा जैसा है वैसे रहेगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है तुम करो कि इसको और इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, और इसको राइट हैंड साइड में रखो, उसके बाद प्रोसीड करो। जब नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करोगे तो क्या होगा कि 2 टाइम्स ऑफ cos x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में तुम कॉमन रख सकते हो, तुम्हें मिलेगा sin 2x माइनस cos 2x इक्वल टू, और जो 3 sin 2x है उसको राइट में ले जाएंगे तो 3 कॉमन हो जाएगा,
और ये हो जाएगा साइन टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स। अब यहाँ पर एक मिस्टेक जनरली लोग क्या करते हैं कि दे से कि ये जो साइन टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स है और ये जो साइन टू एक्स माइनस कॉस टू दोनों कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी हमारा कोई रूट छुपा हुआ हो सकता है, इसलिए हम इस तरीके से कैंसिल नहीं कर सकते जैसे हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। तो हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में कि अब हम दोनों को एक ही साइड रखेंगे, तो कैसे रखेंगे, ये जो राइट हैंड साइड वाला है इसको लेफ्ट में ले जाते हैं एंड वी विल चेंज दिस साइन टू माइनस एंड दिस विल बिकम इक्वल टू जीरो। इसको करने से क्या हुआ कि नाउ यू कैन टेक साइन टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स एज कॉमन एंड यू विल लेफ्ट विद टू कॉस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ऐसा लिख सकते हैं ना, आरुषि, आशीष, देवांश? यस। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि या तो ये जीरो हो सकता है या फिर ये जीरो हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको जीरो लेते हैं तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू, विच इज नेवर पॉसिबल। कॉस एक्स की वैल्यू वन से बड़ी नहीं हो सकती, ये तो 1.5 आ रहा है, तो ये वाला हमें कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। और ये जो दूसरा वाला है ये सॉल्यूशन दे सकता है, और जनरली लोग एरर क्या करते हैं, इसी को यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इसको जीरो लेते हैं तो हम एक स्टेप और आगे अगर करें तो ये हो जाएगा साइन टू एक्स इज इक्वल टू कॉस टू एक्स, और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो दिस विल बिकम टैन टू एक्स इज इक्वल टू वन। अब हमें जनरल सॉल्यूशन पता है टैन एक्स इज इक्वल टू वन के लिए क्या आएगा, टू एक्स है यहाँ पे, दैट विल बी ये होता है टैन ऑफ पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर। इसका मतलब x क्या हो जाएगा, n पाई बाई टू प्लस पाई बाई एट, तो दिस विल बी योर आंसर। इज इट ओके? n बिलोंग टू इंटीजर। Similarly, try for the question number two and then we'll discuss question number two. So? यस सर, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम कौन सा चैप्टर करेंगे? मैं बताऊं? बताओ। तो मैं पूछ रहा था, कोई बोल रहा था ना कि मैं बताऊं? सर, ट्रिग्नोमेट्री के बाद सर लिनियर में हूं
सर लीनियर इनइक्वालिटीज कर लें। ठीक है, थ्योरी वगैरह एक बार रिवाइज कर लेना, फिर क्लास में मोस्टली क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। शुड वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर टू? क्वेश्चन नंबर टू इज इफ टैन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट ऑफ टैन एक्स देन साइन टू एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो टैन ऑफ, इसमें पहला स्टेप क्या करना होगा, इसका ध्यान रखना। पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि वी नो दिस सिंपल एलाइड एंगल फॉर्मूला कि टैन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो हम इस फैक्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो टैन ऑफ कॉट एक्स लिखा हुआ है वो तो अभी वैसे ही रहने देते हैं, लेकिन राइट साइड में जो कॉट ऑफ टैन एक्स लिखा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं टैन ऑफ 90 माइनस टैन एक्स। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि टैन 90 माइनस टैन एक्स विल बिकम कॉट टैन एक्स, तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद ये 90 डिग्री की जगह बेटर है, इसको हम क्या लिखें, पाई बाई टू। तो यहाँ पे हम पाई बाई टू लेंगे रेडियन से। इससे क्या होगा कि अब लेफ्ट में टैन ऑफ सम एंगल है, टैन ऑफ थीटा कह सकते हैं, और राइट हैंड साइड में भी टैन ऑफ सम अल्फा है, तो दोनों साइड टैन लगा हुआ है। तो टैन का जनरल फॉर्मूला इफ यू रिमेम्बर अभी हमने ऊपर में यूज भी किया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कॉट एक्स विल बी इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू माइनस टैन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। यहां पे बस इस बात का ध्यान रखना कि जो तुम्हारा एंगल है वो ओनली इक्वल नहीं होगा। जनरली क्या मिस्टेक हो सकती है, वो ये हो सकती है कि दे कैन टेक दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, लेकिन वो तो एक सॉल्यूशन हुआ ना। अगर हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना कि कॉट एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस जो भी दूसरा वाला एंगल है। इज इट क्लियर? ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टैन एक्स जो है उसको लेफ्ट में अगर ले आए तो प्लस टैन एक्स हो जाएगा और प्लस कॉट एक्स तो है ही, और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई टू, एलसीएम ले लिया वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। तो अब इसको फर्दर हमें किसी तरीके से सिंप्लीफाई करके साइन 2x की वैल्यू बतानी है। अब इसके आगे तुम करो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इसमें एरर होने के चांसेस हैं कई जगह पे, और सबसे पहला जगह जो एरर हो सकता है वो मैंने तुम्हें बता दिया कि दोनों एंगल को सीधा सीधी बराबर कर दो, लेकिन उस केस में बहुत सारे हम और दूसरे सॉल्यूशंस मिस कर जाएंगे। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो जनरल सॉल्यूशन होता था टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा का, वो होता था थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, तो हमें यही लगाना है। अब इसको लगाने के बाद भी अभी इसका काम ओवर नहीं हुआ है, अभी आगे तुम्हें इसकी जरूरत फिर पड़ेगी
तो अभी इसको कैलकुलेट करो, फिर 2 मिनट में मैं डिस्कस करता हूँ आगे के स्टेप्स। देवांश, आरुषि एंड आशीष, आर यू फॉलोइंग दिस? यस सर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टैन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू। ठीक है, और जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो गया 2n+1 पाई बाई टू। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमें पता है दैट इज 1, तो 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें साइन 2x की वैल्यू चाहिए थी, x की नहीं, तो हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, यहाँ पर एक 2 से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और एक 2 से नीचे करेंगे, तो 2 अपॉन फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2x जो हमें चाहिए इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू। इसके बाद हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 4 अपॉन 2n+1 पाई। लेकिन अभी हम आंसर इसको नहीं लिख सकते हैं, पहले ये बताओ कि ये यहाँ तक क्लियर है दिस थिंग साइन 2x ये वैल्यू आई, इज दिस क्लियर? आई होप कि क्लियर होगा। अब तुम्हें ये देखना है कि n की हम क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, n तो इनफाइनाइट है, n तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो साइन 2x है वो हमेशा 1 और -1 के बीच में होता है, साइन का वैल्यू 1 और -1 के बीच में होता है। तो अगर हम यहाँ पर 4 अपॉन 2n+1 पाई की वैल्यू 1 और -1 के बीच में रखते हैं तभी हमारा जो आंसर है वो ट्रू होगा। तो अब हम कौन कौन सी वैल्यूज हैं एन की जिसको हम ले सकते हैं, जैसे एन को 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो उस केस में जो वैल्यू होगी वो होगी 4/π विच इज एक्सेप्टेबल। 4/π जो होता है 1 से बड़ा होता नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है, 4/π इज ग्रेटर देन 1, तो 0 ले नहीं सकते। अगर हम 1 लेते हैं तो 4/3π ये एक्सेप्टेबल है। n को 2 लेते हैं
तो 4/5/5 ये भी एक्सेप्टेबल है, मतलब अब आगे के जितने भी टाइम्स हैं वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। जैसे जैसे हम n3 4 5 में जाते जाएंगे डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा तो पूरी वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। और लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो n को -1 जब रखते हैं तो ये हो जाएगा -4/π जो अगेन -1 से छोटा है, तो इसको हम नहीं ले सकते। और n को अगर हम -2 लेते हैं तो -4/3π हो जाएगा जो कि अगेन -1 और 1 के बीच की वैल्यू है, तो ये ले सकते हैं। और इससे पहले हम और जितनी दूर चले जाएं उन सब वैल्यूज को लिया जा सकता है बिकॉज ऑल दोज वैल्यूज आर ग्रेटर देन -1। तो हम यहाँ पर जब आंसर लिखेंगे कि sin 2x की वैल्यू क्या है तो यही आंसर तो यही होगा हमारा, लेकिन यहाँ पे हम n को इंटीजर लेते हुए दो वैल्यूज को हटा देंगे, एक होगा n0 एक होगा n-1। ये दो वैल्यूज के लिए हमें sin 2x की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, बाकी जितनी भी n इंटीजर्स हैं उनके लिए sin 2x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। दैट इज अवर आंसर। Is it okay? क्लियर है सबको? देवांश, आरुषि, आशीष? यस सर। So let us come to the next question. ये तो सबने लिख लिया, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन वगैरह सबने देख लिया ना, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चंस का फायदा तुम्हें फुल्ली तभी मिलेगा जब तुम थ्योरी फॉर्मूला सब अच्छे से याद रखो और जो भी टाइम मैं अभी दे रहा हूँ उस टाइम में उसको ट्राई करने की कोशिश करो। अगर ट्राई नहीं करते हो, बस मेरा सॉल्यूशन देखने के लिए बैठे हुए हो, तो कोई फायदा नहीं है अनलेस यू आर ट्राइंग टू डू इट। So the next question, third question of the day is if sec 4 theta minus sec 2 theta is equal to 2, find general value of theta. And after that, fourth question says, if the solution of if the solution for theta of
cos p theta plus cos q theta is equal to zero, where p is greater than zero and q is also greater than zero, are in AP. AP you have already studied arithmetic progression. Then numerically, the smallest common difference of AP, then numerically find the smallest common difference of AP.
If you are having any doubt or you want some hint, you can surely ask me. First, I want that you try it, putting your best effort, then we'll discuss. So let me discuss third number question. The question says, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर एरर होने के चांसेस होते हैं, तो उन पॉइंट्स को जरूर समझ लेना, क्योंकि जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम जनरल तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए फिर से नहीं करते हैं। हम वैसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें जनरल पोर्शन तो होगा ही, लेकिन कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हम लोग गलती कर सकते हैं, तो हमें मेनली वो समझना है। तो इसमें क्या गलती कर सकते हैं वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो नॉर्मल स्टेप्स हैं वो सब तुम लोग अपने से कर सको, कम से कम इतना तुम्हारा प्रैक्टिस होना चाहिए। एनीवेज, तो हम अगर इसमें आते हैं, इस क्वेश्चन में, तो sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। हमें बोल रहा है कि थीटा की जो जनरल वैल्यू वो क्या होगी। तो हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि sec को cos में चेंज कर देते हैं, रीजन बींग कि कॉस वगैरह में हम कंफर्टेबली इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक में भी रहने देंगे तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसको कॉस में चेंज कर दिया और इधर ले लिया एलसीएम, तो कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा हो गया। नीचे में एलसीएम जो आया उसको राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन डी प्लस डी बाई टू इन टू साइन डी माइनस डी बाई टू विथ अ माइनस साइन आउटसाइड। तो ये सब जनरल प्रोसेस है, ये सब तुम लोग खुद से कर सको, आई एक्सपेक्ट दैट। तो माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू करेंगे तो 3 थीटा बचेगा, और सी माइनस डी बाई टू करेंगे तो माइनस थीटा बचेगा, राइट, इज इक्वल टू 2 कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा। और हम इस साइन के अंदर का जो माइनस है उसको बाहर ले जाके प्लस बना सकते हैं। तो नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन एज 2 भी कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन एज साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। तो अभी भी हमारा काफी कुछ स्टेप बाकी है करने के लिए, लेकिन चलो यहाँ तक हम लोगों ने किया है। अब इसके आगे हम इसको कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो when you see this sin 3 theta into sin theta here and cos 2 theta into cos 4 theta here, so अच्छा देखो, अब यही है, यहाँ पर से जो हम ये दो स्टेप किए हैं, इन दो स्टेप को करने के बाद हमारे पास ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया जिससे हमें हेल्प मिल सके। तो हम फिर से इस वाले स्टेप पे जाएंगे, और अब हम क्या करेंगे कि cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा को नहीं कुछ करेंगे, इसी को पहले हमने किया था उसको नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट जो हमारे राइट हैंड साइड में है
उसको करेंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों स्टेप्स हैं वो हमें लग गया कि अब इससे कुछ नहीं होने वाला, तो हम फिर वापस से गए हैं और यहाँ पर जब टू कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी लगाते हैं तो वो होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी विच इज 6 थीटा प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी विच विल बी 2 थीटा। ये करने से हमें हेल्प मिलेगी, कैसे मिलेगी, अब ये कॉस 2 थीटा कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर कैंसिल करने के लिए सोचना नहीं है क्योंकि ये एडिशन में है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कॉस सी प्लस कॉस टी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो हो जाएगा 2 cos C + T/2 which will be 5 theta into cos C - T/2 which will be theta and this is equal to 0। तो ये हमें मिल रहा है। अब इसके बाद आई थिंक ज्यादा कुछ अब बचा नहीं करने के लिए, लेकिन स्टिल मैं कंप्लीट कर ही देता हूँ। तो इससे हमें क्या रिजल्ट बच रहा है, या तो cos 5 theta 0 हो सकता है या फिर cos theta 0 हो सकता है, और जनरल सॉल्यूशन cos एंड ऑफ एन एंगल 0 कब होता है, तो 90 डिग्री, 270 डिग्री, इन सब पे होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि 5 थीटा इज इक्वल टू इन जनरल पाई प्लस माइनस पाई बाई टू एन पाई, नहीं इसका जनरली लगा देते हैं, अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। तो 0 होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो अब हम कॉस का अगर लगाते हैं तो वो होता था 2n π + -π/2, ये होगा, ये 5 थीटा की वैल्यू है। और थीटा की जो दूसरा वाला है उससे हमें क्या मिलेगी, 2n π + -π/2, है तो दोनों 0 ही, तो 2n π + -π/2। बस फर्क ये है कि एक 5 थीटा है और एक थीटा है, तो 5 थीटा वाले से थीटा की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हो जाएगी 2n π / 5 + -π/10, और जो दूसरा वाला है उससे जो थीटा की वैल्यू हमें मिल रही है वो हो जाएगी 2n π + -π/2। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा थीटा के लिए, या तो हम ये वैल्यू ले सकते हैं या दूसरी वैल्यू ले सकते हैं। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा और अगर सोचोगे तो ये वैल्यू को अगर तुम आंसर में लिखते हो तो उसमें ये वैल्यू ऑलरेडी कवर हो जाएगी, तो इसमें ही तो सिलेक्टेड वैल्यू है। आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आरुषि, देवांश एंड आशीष? आई होप इट इज क्लियर टू यू, अगर नहीं है तो बताओ, कोई अगर कहीं पर डिफिकल्टी फेस हो रही है तो बताओ।
इज दिस क्लियर टू एवरीवन? देखो रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा ना कि तुम कितना कंफर्टेबल हो, किस तरीके से मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन दूं. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव. आरुषि एंड आशी, ओके, देवांश को तो क्लियर है लेकिन वो स्किप कर गया. आरुषि एंड आशीष, इज इट क्लियर? यस सर. तो ट्राई टू डू डू दिस सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन व्हिच आई हैव गिवन यू. यहाँ पर एक चीज और मुझे लग रही है इसका हमें ध्यान रखना होगा. sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2. पॉइंट ये है कि sec जो होता है, हो सकता है कि हम अभी वो जहाँ पे फंस सकते थे उसमें फंस गए मेबी. तो अब क्या है कि sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा जो है वो कुछ जगह पे डिफाइन नहीं होता है. जैसे sec 4 थीटा जो होता है वो जहाँ पे cos 0 होता है वहां पे डिफाइन नहीं होता है. तो क्वेश्चन में तो cos नहीं था, वो तो हमने cos के टर्म में एक्सप्रेस किया है. क्वेश्चन तो sec में था तो हमें वो वैल्यूज हम नहीं ले सकते हैं जिस पे ये अनडिफाइंड है. तो हमारा ये एक पार्ट जो है, जो एरर जनरली हर कोई करता है, और वो मुझे लग रहा था कि मैंने यहाँ पे एंड में जाके उसका ध्यान नहीं रखा, वो क्या था. ये तो हमारा आंसर सही है लेकिन इसमें इस फैक्ट को भी ध्यान में रखना होगा कि जो sec के टर्म्स में दिया हुआ था क्वेश्चन, उसमें sec 4 थीटा यूज किया गया था और sec 2 थीटा यूज किया गया था. तो इससे क्या गड़बड़ हो सकती है? इससे क्या हो सकता है कि sec 4 थीटा जो है वो वहां पर डिफाइंड नहीं होगा जहां पर 4 थीटा जो होगा वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2. हम ये वैल्यू तो कभी ले नहीं सकते क्योंकि sec विल बी अनडिफाइंड. सिमिलरली sec 2 थीटा विल आल्सो बी अनडिफाइंड इफ द एंगल इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2. तो हम ये दोनों ही केस को नहीं ले सकते. अब अगर हम ये दोनों केस को नहीं ले सकते हैं तो इससे क्या हमारे फाइनल आंसर पे फर्क पड़ेगा, तो एक बार देख लेते हैं. तो यहाँ पर अगर हम 4 थीटा को 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं ले सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि थीटा को हम 2n प्लस 1 पाई बाई 8 नहीं ले सकते, ठीक है. और दूसरे वाले के हिसाब से थीटा को हम 2n प्लस 1 पाई बाई 4 नहीं ले सकते. तो एक बार हम चेक कर लेते हैं. जो हमारा आंसर आया था वो ये था जो इस दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली कवर कर रहा है, वो तुम चाहो तो चेक कर लेना. तो उस केस में क्या कभी ऐसी वैल्यूज भी थीटा की मिल सकती है? तो मुझे तो नहीं लग रहा कि मिल रही होगी. पाई बाई 8 और पाई बाई 4 के फॉर्म में तो मिल नहीं रही. तो हमने ठीक किया, कोई गड़बड़ नहीं है. लेकिन कई जगह हमें चेक करना पड़ता है और कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जो सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाता है आफ्टर सीइंग द कंडीशंस ऑफ डिफाइंड और नॉट डिफाइंड. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर हो गया है? सो लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू अनदर 5 to 10 minutes in which you can try this question number 4. Let me highlight it. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो तभी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा. ट्राई दिस, आई एम कमिंग बैक इन 5 मिनट्स. ओके.
Yeah, I hope that you have tried Arushi and Ashish. So can we discuss it now? So I'm discussing this question now. Okay. So as it is said, if the solution for theta of cos p theta plus cos q theta is equal to zero, so p and q are positive values और इसके जो solution है वो arithmetic progression में है, then numerically find the smallest common difference of AP. तो वो जो AP होगा उसका जो smallest common difference होगा वो क्या होगा? तो इसको पहले question हम लोग समझ चुके हैं, अब इसको try करेंगे. cos p theta plus cos q theta is equal to zero है हमारे पास. तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं. तो इसमें हम cos c plus cos d की आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos c plus d by 2 into cos c माइनस डी बाई इक्वल टू जीरो. अब यहां से हमें क्या मिल सकता है? हमें ये मिल सकता है ये जो cos p प्लस क्यू थीटा बाई टू है, या तो ये जीरो होगा या फिर cos p माइनस क्यू थीटा बाई टू जीरो होगा. तो अगर हम ये पहले वाले को जीरो लेते हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है? अभी दूसरे वाले को भी लेंगे, पहले फर्स्ट वाले को कर रहे हैं. तो जीरो कब मिलता है? अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया था कि जो कॉस की वैल्यू जीरो होती है वो होती है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई टू. ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है. तो इससे हमें जो थीटा मिलेगा वो तो ये मिलेगा, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4n पाई प्लस माइनस पाई हो जाएगा. ठीक है, अपॉन पी प्लस क्यू, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4n प्लस माइनस 1 कॉमन पाई अपॉन पी प्लस क्यू. अब इससे हमारा क्या पर्पस सॉल्व होगा वो अभी हम देखेंगे. अब दूसरे वाले को भी हम सॉल्व कर लेते हैं. तो दूसरे वाले को जब करेंगे विच इज कॉस ऑफ पी माइनस क्यू थीटा बाई टू जीरो, तो हमें क्या मिल रहा होगा कि पी माइनस क्यू थीटा बाई टू इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई टू. तो इससे हमें थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 4n प्लस माइनस 1 पाई अपॉन पी माइनस क्यू. ठीक है, तो ये दो वैल्यूज. तो अब इसमें ये कह रहा है कि ये जो एपी बन रहा है, एपी तो बन रहा है उसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों ही एपी बन रहे हैं. अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी एपी है क्योंकि एन इज इंटीजर, तो तुम्हारे पास हर इंटरवल का गैप होगा. जैसे मैं तुम्हें समझाने के लिए बता सकता हूँ कि एन को अगर हम यहाँ पे जीरो ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस पाई अपॉन पी प्लस क्यू, राइट. अगर इसी तरीके से एन को वन ले रहे हैं तो ये हो जाएगी पाई पाई अपॉन पी प्लस क्यू भी हो सकती है, और अगर माइनस वन वाला लेते तो थ्री पाई अपॉन पी प्लस क्यू. तो हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि एन जो इंटीजर है अगर हम उसको चेंज करते जाएं, चाहे पॉजिटिव इंटीजर लें या निगेटिव इंटीजर लें, तो हमें अलग अलग थीटा की वैल्यूज मिल रही है. ठीक है, चाहे वो ये वैल्यू मिल रही हो या फिर ये वैल्यू मिल रही हो या फिर इसके अलावा आगे बढ़ते जाएंगे या माइनस में चलते जाएंगे तो भी वैल्यू मिलेगी. तो इनसे हमें ये पता चल रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस होगा, जैसे हम कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव उठा के देख लें, कॉन्सिक्यूटिव दो कौन सा हो सकता है? एक हो सकता है पाई अपॉन पी प्लस क्यू और एक हो सकता है थ्री पाई अपॉन पी प्लस क्यू. ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव है,
इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस, विच विल बिकम 2 पाई अपॉन सी प्लस सी। तो ये हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन ये अभी एक केस का मिल रहा है। जो दूसरा केस हमने यहाँ पे बनाया है इसका भी तो कॉमन डिफरेंस होगा, इसका कॉमन डिफरेंस भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसकी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को अगर हम कंसेक्यूटिव वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 2 पाई अपॉन पी माइनस क्यू। ठीक है, तो एक हमें मिलेगा कॉमन डिफरेंस 2 पाई अपॉन पी प्लस क्यू और एक मिलेगा 2 पाई अपॉन पी माइनस क्यू। क्वेश्चन में ये क्लियर कर दिया गया था जब हमने क्वेश्चन देखा था कि हमें स्मॉलेस्ट कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, उनमें जो स्मॉल होगा उसी की बात करते हैं। तो इन दोनों में स्मॉल कौन सा होगा, ये होगा या फिर ये होगा? तो ऑब्वियसली p प्लस q बड़ी वैल्यू होती है और वो डिनोमिनेटर में, और p माइनस q छोटी वैल्यू होती है। तो ये वाला जो वैल्यू होगा वो स्मॉलर होगा देन दिस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है तो पूरी की पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो अवर फाइनल आंसर वुड बी 2 पाई अपॉन p प्लस q, which is the common difference, the smallest common difference. Is this clear? Arushi and Ashish, clear ho gaya humne jo abhi yahan pe discuss kiya hai, phir se batana padega. I need your response. आरुषि और आशीष, ऐसे अगर रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा तुम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर्मूले वगैरह तो याद है ना सारे? तो मेनली आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे ही क्वेश्चंस को देखा है। नेक्स्ट क्लास में जैसे तुमने बोला था लीनियर इनइक्वालिटी, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास ऑन थर्सडे जो है उसमें लीनियर इनइक्वालिटी कर लेंगे। तो आई होप तुमने ये सारा नोट कर लिया होगा। तो आज हम लोग क्लास ओवर करते हैं, आई विल मीट अगेन ऑन थर्सडे।